सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो स्टूडेंट के लिए होने वाला है। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खबर मैं देने वाला हूँ। सो जितने भी स्टूडेंट है, पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो गाइस, खुशखबरी ये है क्योंकि आपका भी मन करता होगा अब्रॉड जाने का, पढ़ाई करने का। तो मैं लेकर आया एक स्कॉलरशिप जो यूके के द्वारा दी गई है। वो क्या है मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। और उसकी खास बात ये है, आपको पढ़ाई का एक भी खर्चा नहीं लगने वाला, एक रुपया भी नहीं लगने वाला है। उसके साथ साथ आपको फ्लाइट की टिकट भी फ्री मिलने वाली है। पूरी पढ़ाई का खर्चा वो लोग उठाएंगे, प्लस आपको वहां पे जो भी लगेगा, घर रहने का खाने का सब वो उठाएंगे, और प्लस वहां पे आपको खर्चे को भी थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। तो गाइस, आपको वीडियो पूरा देखना है। और क्या क्या है ये मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फॉर्म भरना है आपको स्कॉलरशिप के लिए, और इसकी डेट क्या है, लास्ट सबमिशन की, सो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। वीडियो पूरा अंत तक देखना, और एक एक चीज मैं बताऊंगा तो आपको पूरा वीडियो देख लेना है। ठीक है गाइस, आपको स्किप जरा भी नहीं करना, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको उसका सारी जानकारी मिले, क्योंकि मैं पूरा आपको बताने लो। तो लेट्स स्टार्ट। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता हूँ, आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं क्या क्या है सारा कुछ बता देता हूँ। सो गाइस, मैं करता हूं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लगाने वाला हूं साइड में, ताकि अगर आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आई, मेरी लैंग्वेज, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो रोककर वो देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, तो अब मैं वीडियो करता हूं स्टार्ट। अब देखो बड़ी खबर यहां पे, मैं अभी स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं। देखिए, द यूके गवर्नमेंट प्रेस्टिजियस चीविंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज नाउ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर द 25-26 एकेडमिक ईयर। And this opportunity is open to individuals from diverse background worldwide, providing a chance to study in the UK full with full financial support. तो इसका मतलब है गाइस, यूके गवर्नमेंट ने एक चीविंग स्कॉलरशिप निकाला है अगले साल के लिए, और वो वर्ल्ड वाइड है। कोई भी उसमें फॉर्म भर सकता है, कुछ नहीं है उसमें, और पूरा फुल फाइनेंशियल सपोर्ट आपको स्टडी के लिए मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया, आपकी टिकट, आपका रहना खाना सब कुछ। तो आपको जल्दी से ये फॉर्म भर लेना, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको आगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, प्रोग्राम हाईलाइट पहले देख लेते हैं। फुल फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे मैंने बताया, इसमें देखो क्या क्या कवर होने वाला है, ये मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आप, ताकि आप बोले नहीं भाई गलत बताए। ये देखो, कवर्स ट्यूशन फीस, स्कूल की फीस कवर होने वाली है, रिटर्न फ्लाइट, आपको रिटर्न फ्लाइट मिलने वाली है, और एडिशनल अलाउंस फॉर लिविंग, रहने के लिए भी एडिशनल पैसा देंगे। तो ये फॉर्म आपको हर एक स्टूडेंट को भरना है। और स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब चलते आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अभी हम देख लेते हैं गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला पॉइंट है, बी अ सिटीजन ऑफ अ चीविंग लिविंग एलिजिबल कंट्री ऑफ टेरिटरी। अब चीविंग एलिजिबल कंट्री इंडिया है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं और ये इंडिया है, इसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा आपको बाद में। ठीक है, फिर होल्ड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफाइंग देम फॉर अ यूके मास्टर प्रोग्राम। आप के पास डिग्री होना चाहिए कुछ ना कुछ, वहां पे पूछेगा फॉर्म भरते आपके पास क्या डिग्री, तो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, 2800 hours। अभी आप स्टूडेंट हो तो पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो आपको छोटा छोटा मोटा जॉब का आपने कहीं किया होगा, तो वहां से आपको वो सर्टिफिकेट ले लेना है कि आपने इतना काम करा हुआ है। ठीक है, मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, क्योंकि यूके में जाओगे हिंदी में तो पढ़ाई करोगे नहीं, तो आपको इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। फिर कमिट टू रिटर्निंग टू देयर होम कंट्री फॉर एटलीस्ट 2 years आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कॉलरशिप, और घर वालों को बोल देना है मैं 2 साल के लिए पढ़ाई करने जा रहा हूं, 2 साल बाद आपको मिलूंगा। ठीक है, क्योंकि यही कंडीशन है ये। फिर ऑप्टेन एन अनकंडीशनल ऑफर फ्रॉम अ यूके यूनिवर्सिटी बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन, वो आपको जो भी ऑफर देते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो, ये करने के लिए आ जाओ, ये आपको आप इसके लिए फिट बैठते हो, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है वो ऑफर। ठीक है, ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गाइस, अभी नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, इसको अप्लाई कैसे करना है, अभी आप देखना है। यहाँ पे मैं स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूँ। एक्सप्लोर एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज यूजिंग द चीविंग वेबसाइट, आपको पूरा वेबसाइट में देख लेना क्या क्या कोर्सेज है। फिर गैदर डॉक्यूमेंट्स, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लेना है, जैसे कलेक्ट ट्रांसक्रिप्ट रिफरेंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट, इंग्लिश का किधर भी आपको टेस्ट रिजल्ट वो सब ले लेना है। अप्लाई ऑनलाइन, विजिट द चीविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लिक अप्लाई, सेलेक्ट योर कंट्री एंड स्कॉलरशिप टाइप। आपको यहाँ पे जो ये जो वेबसाइट दी गई है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई पे क्लिक करना है, होम पेज पे आपके कंट्री डालना है, स्कॉलरशिप आपको किस लिए चाहिए वो डालना है, और बस प्रोसेस कर देना है।
फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपका फिल आउट द कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको फॉर्म पूरा फिल कर लेना है ऑनलाइन जो भी है, और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट पूछ रहा है पूरे अपलोड कर देना है। बाद में इंटरव्यू स्टेज, शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट विल बी इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू। जो भी उन्होंने फिर उनको सही लग रहा है, ये नहीं ये बंदा सही है काम का, इसके अच्छे मार्क्स, इसके अच्छे ग्रेड है, तो उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करेंगे, ठीक है। और फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो भी पास हो जाएगा वो जून में रिजल्ट आने वाला है। कभी आने वाला है? जून में रिजल्ट आने वाला है। तो इसकी डेडलाइन कब है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की? तो द एप्लीकेशन विंडो इज ओपन अंटिल 5th नवंबर। 5th नवंबर तक आपको भरना है। ये वेबसाइट दी है यहाँ पे, ये वेबसाइट में जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूँ, ठीक है गाइज। अभी मैं आप चाहते हो कि मैं ये वेबसाइट पे क्लिक करूँ तो आपको फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें लॉग इन करना पड़ता है, आपका डिटेल देना पड़ता है, तो आप खुद करके देख लेना इतने तो आप स्मार्ट हो, स्टूडेंट हो तो आज के जमाने के खास करके। तो ठीक है गाइज, तो यही था सारा सब कुछ। तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले मेरा चैनल आपको अच्छा लगा ना तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। एक बार सब्सक्राइब कर लो फिर ये वेबसाइट में आना है, फटाफट फटाफट अप्लाई करना है, पता नहीं आपका नंबर लग जाए, आप शॉर्टलिस्ट हो जाए और आप जा सके। तो जल्दी जल्दी आप भरो, जून में रिजल्ट आने वाला है और इसकी डेडलाइन भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया हो। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करो और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहूं। तो मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।